और कोई मुद्दा नहीं है, हम इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। गन्ने का अच्छा मूल दे दोगे तो किसान दूसरी निगाह से आपको देखेंगे। कोई गलत बात तो नहीं कह दी, इसी बात पे टिका है ना चुनाव। मेरा काम ये है कि इस नाते उनको कुछ दबाव बनाऊं, कुछ अच्छा मिल जाए। इस बहाने आपको क्या पता, इस बहाने अगर किसान को कुछ अच्छा मिल जाए, क्योंकि इनके विधायक 255 जिताए, एक कम हो गया, 254 हो गए। अब 254 से एक और बढ़ा के दोबारा 255 जिताने में आपको क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा जनता को? इनके विधायक तो ऐसे फिर रहे जैसे खेत में आपके यहाँ सांड, तो कोई ना पूछता ना भगा सकता उनको। तो ये सांडों को खूब खुराक दिया आपने 5.5 साल में, इन्हें और खुराक देनी है या इनसे निजात चाहते हो? तो सीधी सी बात है, रोक काट दो। हमारे मुद्दे तब जीतेंगे जब हमारा गठबंधन जीते। आपका दबाव तब काम आएगा। और इस 5 तारीख के चुनाव में या तो ऐसा विधायक बनाओ जो गन्ने पे, रोजगार पे, जो बिजली के मीटर लग रहे हैं उस पे, जो आपके मूल मुद्दे हैं उस पे वो लड़े भिड़े। वरना क्या होगा, वो ये है कि दलाली चलेगी किसी की। इनके घर की रौनक देखो, हर जिले में बीजेपी ने एक आलीशान कार्यालय बना दिया, नोटबंदी के बाद से बनाना शुरू किया था। हर जिले में ऐसा लगेगा, अंदर जाके देखोगे 5-स्टार होटल है।